ना वो कास्ट कर सके। वासु भी हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार ये नीमच की तस्वीरें पहले देख लीजिए, किस तरह से मतदान करने के लिए मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और बुजुर्ग ये मतदाता है, हालांकि इनके लिए व्यवस्था की गई, लेकिन चूंकि जाने ही कितने ही सालों से ये इस तरह से मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं, वोट कास्ट करते हैं और अभी भी उसी परंपरा को ये निभा रहे हैं। जिस जवान पीढ़ी को हमें एसी कमरे से निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है, उनको ये तस्वीरें देखकर सीख नसीहत सबक ये लेना चाहिए कि बतौर मतदाता कितना जागरूक होना जरूरी है। वोट कास्ट करने के लिए बुजुर्ग महिला पहुंची हुई है नीमच से, ये तस्वीरें बेहतरीन तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, प्रेरित करने वाली तस्वीरें जी। ललित, हर बड़े घटना के पीछे एक छोटा सा कारण होता है, एक बहुत छोटे छोटे हल्के कदमों के साथ बुजुर्ग मतदाता छड़ी के माध्यम से, ये वो ताकत है, ये वो शक्ति है जो बड़े बड़े ऊर्जावान और जो युवा हमारे वोटर्स हैं उन्हें प्रेरणा देगी। और हमारे जो सहयोगी विश्वदेव शर्मा हैं उनसे हम उम्मीद करेंगे, विश्वदेव आपसे अब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनसे बात भी करें, वोट करने के लिए जो पहुंचे हैं क्या सोच करके पहुंचे हैं, और चूंकि सुबह सुबह यहां पर आना थोड़ा सा एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए तकलीफ देह भी होता है। आप वोट डालने आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको सुबह सुबह? हमेशा सुबह ही वोट डालते हैं क्या? कितनी उम्र है माता जी? पुराना गंगा भाई, आपकी उम्र कितनी है? उम्र 85 साल बता रहे हैं। ये बोलने में थोड़ा, इनके साथ परिजन आए, हम उनसे ही बात करते हैं। जी क्या लग रहा है, कैसे क्या आपकी? बहुत अच्छा लग, राखी पर्व है इसलिए वोट देने बोलना है। आपने बोला है स्वप्रेरणा से, इन्होंने स्वप्रेरणा इन्होंने बोला है कि ये स्वप्रेरणा से माता जी वोट डालने के लिए आए हैं, और हम देख पाएंगे कि एक बूथ पर लंबी लंबी कतारें लग गई है। बिल्कुल विश्वदेव, आपके पास भी, आप तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा ललित, वो जो छोटी सी एक छोटा छोटा कदम, हल्के हल्के कदमों से बढ़ रहे बुजुर्ग हैं, लेकिन वो एक बड़ा बदलाव लाने के लिए सक्षम है। और यही तत्परता, यही मुझे लगता है कि उत्साह युवाओं में भी ऊर्जा और प्रेरणा लेकर जाएगा कि वो भी मतदान केंद्रों तक पहुंचे। बिल्कुल, और ये हल्के कदम भारी बदलाव के लिए, जैसा कि आपने कहा, बहुत मार्के की बात है। ये वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, इन सब के बीच वोटिंग की प्रक्रियाएं क्या, अपडेट चाय चौक चौराहों पर किस तरह की चर्चाएं? वासु, झाबुआ की बात करूं ललित जी, तब मैं सुबह वो जहां पर मतदान हो रहा है पोलिंग बूथ की तरफ आ रहा था, तो चौक चौराहों पर बहुत भीड़ भाड़ थी, लेकिन वो भीड़ भाड़ थी यहां के आदिवासी लोगों की, जो अपने काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में यहां से या तो दूसरे शहरों में जाते हैं या फिर पलायन करके, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे तमाम राज्यों की बॉर्डर यहां पर लगी हुई है, तो वहां पर वो जाने के लिए बसों में बैठ रहे थे। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा पोलिंग बूथ की, यहां पर भीड़ भाड़ फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। 7 बज गए हैं, पोलिंग की जो प्रक्रिया है, वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। हालांकि इक्का दुक्का जो वोटर्स आना है यहाँ पर शुरू हो गए हैं। झाबुआ का ये पूरा शहरी क्षेत्र है, शहरी इलाका है, और कोशिश यहाँ पर भी पूरी की गई थी प्रशासन की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट हो। कोर आदिवासी बेल्ट है और बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे आप कांतिलाल भूरिया की बात करिए या फिर अनिता सिंह की बात करिए जो बीजेपी से यहाँ पर उम्मीदवार हैं। तो इसके बावजूद फिलहाल वोटर्स का यहाँ पर अभी आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है और बड़ी संख्या में वोटर्स नहीं आ रहे हैं, पर हाँ अब कुछ जो वोटर्स हैं वो पहुंचने लगे हैं और उनसे बात भी करेंगे। सर, सुबह सुबह वोट डालने आए हैं, कोशिश यही रही होगी कि पहला वोट डाला जाए? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहता था कि जितना जल्दी मैं वोट डाल सकूं उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए। क्या बातें हैं जो ध्यान में इस वक्त चल रही हैं वोटिंग से पहले झाबुआ के, किन मुद्दों को लेकर मतदान है? देखिए मुद्दे तो काफी सारे हैं ही, लेकिन अब वो यहाँ पर कहना ठीक नहीं होगा। जी बिल्कुल सही बात है, और आप देखिए कि अब जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं और भी लोग जो हैं वो आने लगे हैं। पहले 2 घंटे के बाद जब रुझान, पहले जो 2 घंटे के बाद जब वोटर्स का टर्नआउट आएगा, तो उससे थोड़ी सी स्थिति जो है वो यहाँ पे स्पष्ट होगी, चाहे युवा मतदाता हो, बुजुर्ग हो, वो सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अंकल वोट डालने आए हैं, क्या सारी बातें चल रही है कि वोट डालने आया? क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वोटिंग करेंगे?
हमारा तो घर से दूर है ये, घर के पास होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा पास में होना चाहिए, दूर आना पड़ा। बुनियादी चाला में है, पशु चिकित्सा में है, वहाँ घर के पास पड़ता है वो। अच्छा, अब ठेठ यहाँ आना पड़ता है। अच्छा आंटी, क्या बातें हैं महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए सरकारों ने काम किया? ये वोटिंग ने भी बड़े ही चतुरता से मुद्दों को साइड किया, क्योंकि मुद्दे उनके दिमाग में चल रहे हैं। और अपने सहयोगी उज्जैन चलेंगे मिथिलेश के पास, जो कि इस वक्त वहां पर बाबा महाकाल के दरबार में जो प्रत्याशी हैं वो पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। बाबा महाकाल को जलाभिषेक किया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भगवान महाकाल के शरण में जो उज्जैन के राजा हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, उज्जैन में स्थापित हैं। और इस राजा के दरबार में कोई भी प्रत्याशी, कोई भी मंत्री, कोई भी, यहाँ हर कोई उनके चरणों में नतमस्तक रहता है और सभी ये अरदास लेकर पहुंचते हैं कि जीवन में शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो। और अगर आप किसी युद्ध पर जा रहे हैं, चाहे वो इस लोकतंत्र का ये महायुद्ध ही क्यों ना हो, जहां पर जनता जनार्दन फैसला करके आपको विजयी या फिर स्वीकारती है नकारती है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दो हम आपको दिखा रहे हैं। एक नीमच से वो तस्वीर जहां पर बुजुर्ग मतदाता अपने सभी काम छोड़कर सुबह सुबह तैयार होकर पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों तक। और अब तक हमने देखा कि बुजुर्ग मतदाताओं के यहां पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और अन्य जगहों से भी अपडेट्स लगातार मिल रहे हैं। ललित, महाकाल की नगरी में जो प्रत्याशी है वो बाबा महाकाल के दर पर पहुंच रहे हैं और जो अन्य जगह पर हम देख रहे हैं वोटर्स भी मतदान केंद्रों तक पहुंचने लगे हैं, क्या ये उम्मीद की जाए कि वोट प्रतिशत जो है वो चौथे चरण में कम से कम कुछ और बढ़कर हमें मिले, बढ़कर देखे, क्योंकि मौसम भी साथ दे रहा है आज? कैसा लग रहा है आपको मतदान का? ठीक, अच्छा लग रहा है। आपका हमेशा यही रूटीन रहता है? हाँ, यही रूटीन। सबसे पहले वोट डालते हैं? सबसे पहले समय का निश्चित नहीं, पर आप वोट छोड़ते नहीं। आपका क्या संदेश रहेगा कि मतदाताओं के लिए, वोटिंग के लिए? वोटिंग के लिए जो भी जिससे अच्छी बात है, जनता पार्टी जो भी है, आपका कहना है जो भी अच्छे लोग हों उनको जीताना है, अच्छा काम करे। हम जा रह रहे हैं ना, उनको सड़क ऊपर खा पड़े जी। इन्होंने अपनी व्यक्तिगत पर और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मैंने जैसे जिक्र किया कि यही तस्वीरें हैं जो बहुत प्रेरित करती हैं। इन्हें गोद में उठाकर लाया गया है, ये वोटर हैं और संभवतः किसी समस्या के चलते इन्हें इस तरह से मतदान केंद्र लाना पड़ा। पर बड़ी बात यह है कि देखिए वो मतदान केंद्र तक पहुंचे, इसी तरह से आपको भी मतदान केंद्र पहुंचना है। थोड़ा सा संघर्ष होगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी तपिश हो सकती है, थोड़ा सा आप पानी में भीग सकते हैं, पर आज का जो है आपका त्याग रहेगा वो आगे आपके लोकतंत्र को मजबूत करेगा और आपके लिए मजबूत करेगा। गणेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास, आपके बूथ पर क्या हलचल? जी, बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व का आज दिन है और 13 मई को बुरहानपुर में जो है वो आज बढ़ चढ़ कर लोग मतदान करेंगे। लेकिन मतदान के कुछ चुनाव, मतलब आज के दिन जो है वो बारिश हुई आधा घंटा पहले, जिसकी वजह से जो है वो अभी फिलहाल मतदान केंद्र जो है वो अभी खुले पड़े हुए हैं। इसका मतलब लोग जो है मतदान करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। कुछ देर के बाद में जो है यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी, लोग जो है बढ़ चढ़ कर मतदान यहाँ करने के लिए पहुँचेंगे। भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के बीच में यहाँ पर सीधा मुकाबला है। 13 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है। बुरहानपुर जिले में जो है वो दो विधानसभा क्षेत्र है, बुरहानपुर और नेपानगर, जिसमें 652 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और अभी जो है वो लोग यहाँ पर आना शुरू हुए हैं। और मुद्दों के लिहाज से अगर देखा जाए, बहुत शॉर्ट में जरा फटाफट मुद्दे भी बता दीजिए। जी, इस वक्त हमारे साथ में एक मतदाता यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। जी बताइए कि किन मुद्दों पे जो है आज इस बार मुद्दा को सभी को पता है कि किन मुद्दों पे देश में ऐसे बताओ कितने अनेक कार्य है जो मोदी जी द्वारा देश में ऐसे अनेक कार्य जो मोदी जी द्वारा किए गए। ये वोट मेरा जो पहला वोट डाला इस बुक में 2 घंटे के अंदर, ये मोदी जी के लिए है। ये बहुत सारी ऐसी जो 370 35A जो को जो अनगिनत कार्य ऐसे जैसे चांद पे ध्रुव का जो भारत में पहला अपना ये गया हुआ है, तो लोगों के जीने के लिए आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए हैं,
गैस दी है माता बहनों के लिए, तो बहुत सारी योजनाएं कई मतदाता भावुक भी हो जाते हैं वोट डालने के बाद, थोड़ी सी जिन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए उस बारे में जो उनके मन में चल रहा होता है वो बता भी देते हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में भी हमें ध्यान रखना होगा, चूंकि